गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, जो है आप लोगों की फेवरेट है। सबको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हमारी स्किन वाइट हो, चमकती हो। और जो हमारे ज़्यादा स्पेशल डे होता है, वेडिंग पे या फिर ईद होती है, ईद हमारे आती है साल में 2 दफ़ा। हम मुसलमानों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अपनी जो स्किन है उसको भी बहुत ही खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कोई भी केमिकल के प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, जो है स्किन पॉलिश का रिव्यू। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है फा ऑर्गेनिक का पूरा ऑफिशियल का जो रिव्यू है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक मैं लगा दूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसका जो स्पेशल जो पॉलिशर का जो रिव्यू है वो देने आई हूँ, जो है टोटली ऑर्गेनिक। इसका जो कवर है वो आप लोगों के सामने है, ये आउटर पैकेजिंग है इसकी, कार्डबोर्ड से बनी होती है। और उसके अलावा इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलर इसमें यूज़ किए हैं, पिंक एंड ग्रीन सा कलर है। और इसकी जो साइड पे है डायरेक्शन और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब मेंशन है, मेड इन पाकिस्तान है। और इसके अलावा जो इसके अंदर की आउटर पैकेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और जो है इसकी प्राइजेस वो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैश हो जाती हैं, उन पे ब्लीच किसी किस्म की सूट नहीं करती है, वो लड़कियां जो टीन एज की लड़कियां अपने जो स्किन पे बगैर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ किए बगैर अपने बालों को अच्छा दिखाना चाहती है, वो ज़रूर देखिएगा। ये इस तरह के मेरे पास स्पैचुलाज हैं, आप लोग इसको बाज़ार से ले सकते हैं, जिसके साथ हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आप लोगों ने इसमें प्लास्टिक का और ज़्यादातर जो ग्लास होता है वो यूज़ करना होता है। इसमें कोई भी स्टील एंड स्टील के या दूसरे जो बर्तन होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। सिलिकॉन के मैंने लिए हैं। इसमें आप लोगों ने 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं, जो बिल्कुल जो 2.5 है ना, वो मैंने यहाँ पर लिया है। इसके 2 स्पून मैंने ऐड किए हैं, जो मेरी नेक और फेस के लिए इनफ है। उसके अलावा जो बिल्कुल स्मॉल सा ब्रश है ना, वो यानी कि 1 पॉइंट है, वो मैंने लिया है। उसमें मैंने वो स्पून ऐड कर दिया, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है, ये आप लोगों की स्किन को रैश नहीं होने देगी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसके जो पाउडर होता है वो अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो ही वो आपको रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन देगा। लेकिन इसको लगाने का तरीका भी कुछ होता है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो ब्लीच है आप लोगों की स्किन को, जो फेशियल हेयर होता है ना, उसको ये लाइटन करता है, ना कि आपकी स्किन को वाइट करता है। लेकिन ये वाहिद मैंने स्किन पॉलिश देखी है जो आपकी स्किन का जो एक कलर है वो बहुत अच्छे तरीके से लाइट करता है। सबसे पहले हम लोग जो हमारे जो ये मैंने पहने हुए लॉजमात वो हटा देंगे। उसके बाद मैंने सिर्फ इसको पैचेस की सूरत में यहाँ पे लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है ना वो नज़र आ जाए। क्योंकि कैमरे में सम टाइम ऐसा होता है कि रियल में तो वो रिज़ल्ट नज़र हमें आ रहा होता है, लेकिन कैमरे में वो रिज़ल्ट हमें शो नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो बिफ़ोर एंड आफ्टर का दोनों का मैं शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें रिज़ल्ट हमें मिला है कि नहीं मिला। मैं तो जब जब इसको यूज़ करती हूँ, मुझे इसके रिज़ल्ट मैं कहती हूँ कमाल है। और इसके बाद ये है कि मुझे ये इसलिए पसंद आई है क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक है। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे जल्दी से प्रोडक्ट जो उनसे वो रिएक्ट कर जाते हैं, और ये टोटली ऑर्गेनिक है। सबसे अच्छी बात ये है, इसकी जो प्राइस है वो 650 रुपीज़ है, मैंने डिस्काउंट में ली थी। आई थिंक इसकी जो प्राइस 15 मिनट्स के बाद, मैंने 15 मिनट इसको रखा था, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ही इसको रिव्यू यानी कि इसको वाइप अप करूँगी। और आप लोगों के देखिएगा कि इसका जो पहले का रिज़ल्ट है और बात कर रिज़ल्ट भी मैं शो कर दूंगी। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने इसको रिमूव किया तो कितनी खूबसूरत जो मेरा हैंड है वो आप लोगों के सामने क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मेरे बाज़ों का कलर और वहाँ से सिर्फ उतने हैंड का जहाँ मैंने लगाया था उसका रिज़ल्ट कैसा है, और फिंगर्स का भी आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना किया करें, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप लोग मेरी इंटरेस्टिंग सी जो वीडियो है वो देख सकें। आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और देख लें यहाँ पर रिज़ल्ट मेरे जो हैंड का है वो यहाँ पर देख सकते हैं, पैचेस की सूरत में नज़र आ गया होगा। और जो इसका जो फाइनल है वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। इसमें कोई भी फिल्टर नहीं यूज़ किया, लेकिन मैं एक हाथ से यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। और जो मेरा ये मेरी फेवरेट ब्लीच थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से यहाँ शेयर किया। आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले का रिव्यू और जो पहले की थी पिक्चर और बात की है। होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी ब्लीच है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के ऊपर। बहुत